मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एमवीआईसी मैथ्स एंड फिजिक्स। टुडे इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ लेसन नंबर 5। टुडे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध। एक बिजली की प्रेस है, प्रेस एक युक्ति होती है, आप जानते हैं। इसका प्रतिरोध 44 ओम है, 44 ओम है, और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, I इक्वल टू 5 एम्पियर। देखिए, कोई भी जो उपकरण होता है उसमें कितनी चीजें, उसमें कितनी भौतिक राशियां हो सकती हैं। जैसे कि ये प्रेस की बात किए हुए हैं, प्रेस की बात, तो प्रेस में उस देखो उस पर वोल्टेज लिखा होता है कि कितने वोल्ट पर चलाना है, ठीक है, और उसके साथ शक्ति लिखी होती है कि कितनी शक्ति खपत करेगा, एक सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस करेगा, ये लिखी होती है, और उसका रेजिस्टेंस होता है, और इतने वोल्ट से जोड़ने पर उसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये इतनी चीजें उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे आप एक बल्ब खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस होता है, ये पता होता है कितने वोल्ट पर आपको चलाना है, और ये पता होता है कि इसकी शक्ति कितनी है, रहते 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो ये वोल्टेज, जितना वोल्टेज लिखा होता है, अगर फुल इतने वोल्टेज से जोड़ोगे तो करंट जो होगा वो फुल जितना फ्लो होना चाहिए उतना फ्लो होगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है। बट किसी भी युक्त क्या जो R होता है, P होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर आपने कह दिया 100 वाट का बल्ब है तो चाहे जितने वोल्ट से जोड़िए वो है 100 वाट का ही, ठीक है। रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, अगर आपने कह दिया किसी बल्ब का प्रतिरोध इतने ओम है तो वो उतने ही रहेगा, चाहे वोल्टेज घटाइए या बढ़ाइए। वोल्टेज के घटने बढ़ने से केवल क्या घटे बढ़ेगा, केवल वैद्युत धारा घटे बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं, किसी भी डिवाइस में क्या क्या कांस्टेंट होगा, उसकी पावर एंड उसका रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट होगा। तो ये जो दिया है R कांस्टेंट है, धारा घटे बढ़ेगी, धारा इस पर डिपेंड करेगी हम कितने वोल्टेज से इसको जोड़ रहे हैं। इसके बाद कहा है प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। यार ये भी क्या क्वेश्चन पूछा, सामर्थ्य P, सामर्थ्य P इक्वल टू, फार्मूले आपको कई बताए होंगे या हाई स्कूल में पढ़े हो, यहाँ पर बहुत सारे सर नहीं बताए। P इक्वल टू वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपान आर, ये सब फार्मूले बताए हैं शक्ति के या नहीं बताए, नहीं बताए, ये हाई स्कूल में होते हैं फार्मूले, कई फार्मूले निकल करके आते हैं शक्ति के। पी इक्वल टू आई वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपान आर, शक्ति के कई फार्मूले होते हैं, तो इसमें से जो आपका यूज हो रहा है वो यूज कर लीजिए। कौन सा यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर, तो आई का मान हो गया 5 और आर का मान हो गया 4, आई स्क्वायर हो गया 25, 25 से 100 हो जाएगा, हासिल है 10, 100 और 10 110, इतने वाट। ये तो बहुत ही इजी था, ऐसे ही इसको बस समझ लीजिए करा दिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है, 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए, दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, एक बल्ब यहाँ पर है जिस पर लिखा हुआ है 60 वाट और कितने वोल्ट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट, दूसरे पर लिखा हुआ है 100 वाट और यहाँ पर भी 220 वोल्ट, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है इस प्रकार से, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित कर दिया गया। अब यहाँ पर बहुत मायने रखता है कि इस पर लिखा कितने वोल्ट है, हमने जोड़ा कितने वोल्ट से है। अगर यहाँ पर 220 लिखा था, हमने 220 वोल्ट से ही इसको जोड़ रखा है, तो कंडीशन सभी नॉर्मल है। अगर हम इसको 200 वोल्ट से जोड़ रहे हो या कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज से जोड़ रहे होते तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज कम जोड़ोगे तो ये जितना फुल प्रदीप्त होना चाहिए बल्ब को, जितना फुल प्रकाश देना चाहिए उतना नहीं देंगे, प्रकाश कम देंगे, किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे, क्योंकि वोल्टेज कम होगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा यहाँ पर। तो चूंकि 220 लिखा था, 220 से हमने जोड़ा है, इसका मतलब इनमें क्या होगा, फुल करंट जाएगा और फुल प्रदीप्त होगा, पूर्ण प्रकाश दे रहे होंगे। तो इसमें कंडीशन है उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर करंट ज्ञात करना है कितना होगा। देखिए, यहाँ पर वोल्टेज पता है, अगर हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस पता हो जाए, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस पता हो जाए, यहाँ का रेजिस्टेंस पता हो जाए, तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके और तुल्य प्रतिरोध R निकाल लेंगे, फार्मूला लगा देंगे I इक्वल टू वी अपान R। तो हम क्या करें, सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस निकालें, ये शक्ति है P1 और ये क्या हो गया यहाँ पर V1।
ये हो गया आपका शक्ति P2, ये हो गया V2। आप यहाँ पर लिख लेंगे सब कुछ, पहले बल्ब की शक्ति P बराबर इतने वाट, आप ऐसे लिख लेंगे पहले बल्ब के लिए P1 इक्वल टू कितनी है 60 और V1 कितना हो गया 220 वोल्ट। ये अपन मात्रक लिखना वाट और वोल्ट। तो एक फार्मूला अभी बता के आए हैं P इक्वल टू IV, बताया है ना, तो यहाँ नहीं आई स्क्वायर आर वाला, आई स्क्वायर आर ये भी नहीं आपको निकालना है पर आर, तो फार्मूला देखिए ये होता है P इक्वल टू V स्क्वायर वाला, ये होता है, तो हमको यहाँ से निकालना है इसका आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपान में P हो जाएगा ना, V स्क्वायर अपान P। तो इसका पहले का आर निकाल लीजिए, आर वन इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, वी स्क्वायर टू टू जीरो अपान आर कितना है, अब पी कितना है 60, या जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दो तीन छह, ये हो जाएगा 11। आर वन इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए जीरो, अब कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, 11 × 22 का दो हासिल हुआ 2, 11 × 22 और 2 24 बटे 3 भाग नहीं होगा, इतने ओम इसका प्रतिरोध आ गया आर वन। ठीक है, ऐसे ही दूसरे बल्ब के लिए लिखेंगे, ये लिखना ना पड़े हमको तो जल्दी हो जाएगा, दूसरे बल्ब के लिए P2 इक्वल टू कितना है 100 वाट और V2 कितना है 220 वोल्ट है। इसका अगर निकालेंगे R2 तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपान P होता है, यहाँ पर V1 था, P1 था, यहाँ पर V2 और V2 हो जाएगा, V2 तो वही है 220 × 220, हाँ वो 484 हो जाता है, अपान में P2, P2 की वैल्यू कितनी है 100, या जीरो कैंसिल, या जीरो कैंसिल, या आ जाएगा 484। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, R1 कितना आया है 24 20 बटे 3 और प्लस R कितना हो जाएगा 484 बटे 1 3 220 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 312 की तो हासिल चला एक और 324 1 25 हासिल हुआ 2 312 और 2 14 सही है ना। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, ये आपका R आ गया है ऊपर कितना 2 7 8 3 बटे 3, ये R आ गया है I इक्वल टू V अपान R, I इक्वल टू V अपान R, I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट से आपने जोड़ा है, ये देखो 220 यहाँ लिखा भी था, अपान में R ये कर दोगे 3 8 7 2 और अपान का 3 कहाँ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो आ रहा है आपका 0.17 एम्पियर, बट ये बहुत बड़ा मेथड हो गया, एक 60 मेथड और है वो बता। क्वेश्चन नंबर 38 भी आपका पूछा गया है 2015 में, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, किसी बल्ब पर 100 वाट लिखा, वाट किसका मात्रक होता है शक्ति का, और 220 वोल्ट अंकित है, ये तो सब हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है कि किसी बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसका मतलब क्या है कि उसकी शक्ति कितनी है 100 वाट है, और उसको जब 220 वोल्ट से चलाओगे तो फुल प्रदीप्त होगा, पूर्ण प्रकाश देगा ये, तो अगर हमको आगे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम आई निकाल सकते हैं कि बल्ब में कितनी धारा बहेगी अगर 220 वोल्ट से जोड़े, और हम बल्ब का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ये हर एक उपकरण के बारे में जो दिया होता है इससे हम निकाल सकते हैं, ये बल्ब के बारे में दे रखा है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, तो देखिए प्रतिरोध ज्ञात करना, फार्मूला क्या होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, यहां से R इक्वल टू निकालोगे तो V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर 220 × 220 / P 100, ये कैंसिल हो जाएंगे जीरो, प्रतिरोध आ जाएगा 484 ओम, प्रवाहित धारा I, I बराबर V अपान R, V कितना है 220 और R कितना आ गया है 484, इसको 22 से भाग कर दोगे तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 22, 10/22 ये हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10 = 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा I इक्वल टू 0.0 वहां 50 हो जाएगा 11 × 44 या 5/11 ही रख दीजिए, यही तो रखा है आंसर, यही रख दो 5/11
एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया, डिवाइड नहीं करिए ऐसे, तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 39, बीएससीएडी का क्या मजाक उड़ा रहे हो, तो बहुत अच्छा स्कोप होता है बीएससीएडी का, बहुत अच्छा स्कोप होता है बीएससीएडी का, बीएससी का एमएससी भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कई आंसर छोटे छोटे निकालना है। एक 15 वोल्ट और 20 वाट का बल्ब, देखिए एक लैंप है, इस पर लिखा हुआ है 15 वोल्ट, ये जो 15 वोल्ट से चलाया जाता है इसकी शक्ति दी हुई है 20 वाट, वाट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से अंकित है। पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 20 वोल्ट के डीसी डिस्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है 15 वोल्ट, अगर ये 15 वोल्ट से जोड़ा जाए तो ये पूर्ण प्रदीप्त होगा, ठीक है, इस पर लिखा तो इतना है लेकिन इसको जोड़ा किससे गया है, इसको जोड़ा गया आगे लिखा है 25 वोल्ट के डिस्ट स्रोत से, तो जब 25 वोल्ट के डिस्ट स्रोत से जोड़ोगे तो ये फ्यूज नहीं हो जाएगा, ये जल नहीं जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक फिजिक्स का समझिए कि ये बल्ब है, ठीक है, और ये बनाया गया है 15 वोल्ट से चलाने के लिए, 15 वोल्ट से चलाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको आप चलाने कितने वोल्ट से जा रहे हैं, आप इस बल्ब को ये जैसे रेजिस्टेंस जहां पर बना होता है यहाँ ये सब, इसका मतलब होता है बल्ब है, पंखा है, हीटर गीजर कुछ भी लगा है, तो ये बल्ब लगा हुआ है, इसका मान लीजिए प्रतिरोध आर होगा, अब इसको आप जलाने जा रहे हो 220 वोल्ट से, इसको भी डैश 220 नहीं 25, तो इसका रेजिस्टेंस चलिए पहले ही हम निकाल दें, आर इक्वल टू क्या आया था फार्मूला, वी स्क्वायर अपॉन पी, ये है लैंप का प्रतिरोध, लैंप का आर इक्वल टू वी कितना है 15 बुढ़े 15 हो जाएगा अपॉन 20, 5 या 15 5 को 20 ये कितना आ रहा है 45/4, इतने ओम है। एक बल्ब है जो 15 वोल्ट से जलाना चाहिए था, यूज करना चाहिए था, और उसका प्रतिरोध इतना था, ठीक है, आप चलाने कितने से जा रहे हो, चलाने जा रहे हो 25 वोल्ट से, तो ये फ्यूज हो जाएगा ना, तो फ्यूज होने से बचाने के लिए आप क्या करोगे, इसके श्रेणी क्रम में कोई एक रेजिस्टेंस और जोड़ दोगे, चाहे एक बल्ब ही बढ़ा दीजिए, कोई इतने इतने प्रतिरोध का बल्ब बढ़ा दीजिए कि अब ये 25 वोल्ट से चल सके, फ्यूज ना हो, यहाँ पर बात समझने वाली बस यही है कि इसको चलाना चाहिए था 15 वोल्ट से, आपका बल्ब बार बार फ्यूज हो जाता है तो घर पे क्या करेंगे, वैसे 3-4 बल्ब ला करके उसी की सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दीजिए, बल्ब फ्यूज नहीं होगा बल्कि और सब डिम जलने लगे, धीमे जलने लगेंगे, समझ पा रहे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको उच्च वोल्टेज से चलाना है जितना इस पर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में कई बल्ब जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कई बल्ब नहीं जोड़े गए हैं, यहाँ पर उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया है, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है, और ये आपका आ चुका है 45/4, समझ रहे, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि पूर्ण एक 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, प्रतिरोध आर से, इसका नाम इन्होंने आर दे दिया है, तो हम इसको क्या कर दें, आर डैश कर दें, यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, गणना कीजिए परपथ में धारा का मान, धारा कितनी प्रवाहित होगी, लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये 45/4, इसको भाग भी करना है क्या, ऐसे रखा है लैंप का प्रतिरोध, तो दूसरा आंसर आपका आ चुका है ना, लैंप का प्रतिरोध निकाल चुके हैं, प्रतिरोध आर का मान, इसी में बहुत कुछ समझ लीजिए, अगले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखिए कोई भी ये जैसे सर्किट है, तो पहले इस बल्ब में हम देखें कि धारा इसको कितनी मिल रही थी, अगर हम 15 वोल्ट से इसको जलाते, जब 15 वोल्ट से यूज करते, यदि लैंप को 15 वोल्ट से जोड़ें, तो उसके द्वारा ली गई वैद्युत धारा I इक्वल टू होता है P अपान V, P इक्वल टू IV होता है, तो यहां से आप यही वाला, आप 15 वोल्ट यूज करोगे, यही वाली शक्ति यूज करोगे 20/15, तो आ जाएगा 4/3। देखिए क्यों बल्ब फ्यूज होता है अधिक वोल्टेज लगाने से, उपकरण काम करता है करंट पे, अगर इस बल्ब को 4/3 वोल्ट एम्पियर करंट चाहिए, तो इसको 4/3 एम्पियर ही करंट चाहिए, चाहे आप 1000 वोल्ट से जोड़ दीजिए,
समझ पा रहे क्या ये बात कि इसमें P और V इतना लिखा है, तो इसी से हम दो चीजें निकाल लेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और इसका करंट निकाल लेंगे। ये I बता रहा है कि इसको आप जोड़ चाहे जितने वोल्ट से दीजिए, बट इसको करंट कितना चाहिए, 4/3 एम्पियर ही चाहिए। तो अब क्या होगा, जब आप हाई वोल्टेज से जोड़ने जा रहे हो तो करंट को कंट्रोल कैसे करोगे, अब तो करंट क्या होगा बढ़ जाएगा, और जबकि इसको चाहिए कितना, केवल इतना चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस जब जोड़ दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल होकर के करंट यहाँ पर फ्लो कितना होना चाहिए, अब भी अगर 4/3 से अधिक करंट बढ़ गया तो ये तो फ्यूज हो जाएगा, ये भले बच जाए। समझ पा रहे हैं, तो आपका लॉजिक हर बार यही लगेगा, किसी भी बल्ब पर अगर वोल्टेज बढ़ा के जलाना चाहोगे तो उस बल्ब में धारा उतनी ही जानी चाहिए जितनी धारा के लिए ये बनाया गया। समझ पा रहे हैं, और इसके लिए करोगे क्या, कोई ना कोई रेजिस्टेंस आगे जोड़ दोगे या बल्बों की संख्या बढ़ा दोगे, तो करंट अपने आप क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, तो दो चीजें निकल आई, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकल आया, ये दूसरा आंसर आपका हो गया, और एक ये आंसर निकल आ रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा, चाहे जितने वोल्ट से जोड़ दो करंट उतने फ्लो। अब आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। थर्ड आंसर, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R डैश प्लस R निकला है आपका 45/4। ये R का मान आपको निकालना है, ये R दिया हुआ है और जोड़ा अब आपने कितने वोल्ट से है, 25 वोल्ट से। जब दोनों हम लेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, अब विभव V बराबर या V डैश ले लो, कितना यूज होगा, 25 वोल्ट। और करंट I कितना यूज होगा, ये जो निकाल चुके हो ये, तो फार्मूला लगा दो, V = IR, V ये वाला लोगे नया वाला, I यही I तो पूरे क्वेश्चन में एक ही रहेगा, और R का मान क्या, तुल्य प्रतिरोध। इसको हम कौन सा सिंबल दे दें, R" नाम दे दें, तो यहाँ पर R" तो V कितना, 25, I कितना, 4/3, और R" का मान ये 45/4 प्लस R। ये आप क्या कीजिए, 3 से इधर गुणा कर दीजिए तो ये कितना होगा, 75, 4 से यहाँ गुणा कर दो, 4 कट जाएगा, बचेगा 45, और ये बचेगा 4R = 45, इधर आकर के घटेगा कितना बचेगा, 30, R = कितना आ जाएगा, 30/4, 4 × 28, 4×5 20। इतने ओम का प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो आप इस लैंप को इतने वोल्ट से भी चला सकते हो, यही आपका दिया है 7.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, 40 वाट तथा 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य कर रहे हैं। देखिए दो बल्ब हैं यहाँ पर, एक ये है 40 वाट का, एक है 100 वाट का, 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, करने के लिए लगाए गए हैं। इनके फिलामेंट का प्रतिरोध, किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है आपको बताना है, किसका प्रतिरोध इसमें से अधिक है, और इनके प्रतिरोधों का अनुपात भी निकालना है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी है, सबका प्रतिरोध निकालना है इसका। अगर R1 निकालना है तो ये इसकी शक्ति P1 हो गई, ये P2 हो गई। आप इसका प्रतिरोध R1 निकालना है तो क्या फार्मूला भी होता था, V² / P। फार्मूला तो ये याद कर लीजिए, 3 बताए थे P के 3 बताए थे, और अगर आई दिया होता है यहाँ पर कहीं तो हमको आर निकालने का ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिया क्या है, पी और वी, तो अगर पी और वी दिया है तो आर इस फार्मूले से निकलेगा। तो आर इससे निकाल रहे हैं, R1 = V है 220 × 220/40, ये 0 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 11। तो R1 = आपका क्या निकलेगा, 11 कितना होता है, 121, और ये 10, इतने ओम निकलेगा। कैलकुलेशन सही किया, 10 से 0 कटा, 2 से इसको कैंसिल किया, हाँ सब सही है। P2 वहां पर दिया हुआ है, तो दूसरे बल्ब का ये हो गया पहले बल्ब का प्रतिरोध। अब दूसरे का निकाल लीजिए, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 = क्या हो जाएगा, V तो वही है सबके लिए, अपन यहाँ पर P1 था, यहाँ पर P2 हो जाएगा, V²
220 वोल्टेज वही है, दोनों एक ही वोल्टेज से जुड़े हैं, शक्ति अलग अलग है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 484, 22 को 22 से गुणा करो इतने हो। तो पूछा था किसका रेजिस्टेंस अधिक है बताइए, पहले वाले बल्ब का, 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध जो है वो अधिक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप सदैव ध्यान रखिए, जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध सदा ज्यादा आएगा, श्रेणी क्रम में इसकी शक्ति कम थी तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, जब जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब की बात हो रही है। अब पूछा था किसका ज्यादा होगा, तो ये तो आपने बता दिया किसका ज्यादा है, 40 वाट वाले का ज्यादा है, एक आंसर ये हो गया। फिर कहा था दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए R1/R2, अनुपात दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात, दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात R1/R2 1210/484, ये 11 से डिवाइड होगा पक्का, 11 ये इतना आ जाएगा ना, 11 से भाग करेंगे इसको, 11 से भाग करेंगे 1144 हो जाएगा, फिर 11 से भाग होगा ऊपर 10 आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, फिर भाग करोगे तो 5/2, तो समझ पाए कैसे कैंसिल किया, 5/2 आप अपने अनुसार कैंसिल कर लेना, 2 से 4 से काट तो लेते होगे ना, इसको 11 से भाग किया क्योंकि 11 से ये देखो गुणा भाग हुआ था, ये कैंसिल कर लेते सब लोग, नहीं पहले 11 से काटा है उसके बाद फिर 2 से काट दिया है तो 5/4 आ गया है, उसके 10/4 आ गया, फिर 5/2 आ गया, 2 से कैंसिल किया, हो गया नोट कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है। 42 नंबर आपका है ये भी जी, देखिए एक लैंप एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, P इक्वल टू हो गया 100 वाट और वोल्ट लिखा है कितना 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका प्रतिरोध पहले निकाल लीजिए R कितना होगा, किस फार्मूले से निकालोगे, V² / P, P है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 22 और 22 का गुणा तो आप जानते हैं 484, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, प्रतिरोध आ गया। अब आगे देखिए आपको इसमें दे रखा है कि यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर है, L इक्वल टू, ये क्या है बल्ब का प्रतिरोध, आप एग्जाम में देखिए सब लिख के करोगे ऐसे नहीं, ये है बल्ब का प्रतिरोध, अब लिखा है तंतु की लंबाई, तंतु कहाँ होता है बल्ब में, ये जो लगा होता है इसी को तंतु कहते हैं, L इक्वल टू है 0.1 मीटर, उससे नहीं गैप हो जाता है 0.1 मीटर, तथा त्रिज्या R 2.5 × 10⁻⁵ किसमें, मीटर में, मीटर, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध याद कीजिए रो, फार्मूला क्या होता है R इक्वल टू रो एल अपान ए, और जब ए के स्थान पर हमको R दिया होता है तो क्या लिख लेते हैं, अब आपको रो निकालना है तो यहां से रो इक्वल टू कितना निकलेगा, पहले फार्मूले को चेंज कर लिया करो तब वैल्यू रखो, रो यहीं पर रखिए, इनको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए R/R² और L अपान में आ जाएगा, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर रो L बचेगा, L भी इसके अपान में आ जाएगा, ये फार्मूला बना। R आप निकाल चुके हैं 484, पाई का मान आप यहां पर 22/7 रख दें, शायद कुछ कैंसिल हो जाए, 22/7 ये R का मान रख दिया, स्मॉल R का स्क्वायर 2.5 × 10⁻⁵ का होल आप स्क्वायर, तो ऊपर वाले उन्होंने रख दिया रेजिस्टेंस की, पाई का मान रख दिया और रेडियस रख दिया मैंने, उसका स्क्वायर भी कर दिया, नीचे एल का मान बचा है ये है 0.1, ठीक है गुणा भाग अपना कर लेना आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 240 वोल्ट एक लैंप है वो 240 वोल्ट पर यूज किया जा रहा है और इसकी शक्ति दे रखा है यहां पर 200 वाट, ये हो गया वोल्ट और ये हो गया वाट, ठीक है इतने वोल्ट पर, इसके तंतु का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही को प्रतिरोध आप निकाल लीजिए, और कोई वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज कितना है 240 ही है और कोई वोल्टेज नहीं दिया, इसी पर यूज कर रहे हैं इसको, तो बल्ब का प्रतिरोध R इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाओगे 240 × 240/200, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे सभी, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, 12 से 48 क्या 88 हुआ
चार बारह में 24,000 28 इतने ओम प्रतिरोध है इसका। कैलकुलेशन तो समझ जाते होंगे चाहे जितनी भी अच्छी है, इतना इसका प्रतिरोध दिया हुआ है। ये किस अवस्था में है, जब ये इस समय यूज हो रहा है, चल रहा है, यूज हो रहा है, और उसी समय का इसमें दे रखा है कि यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का 10 गुना हो। अब देखिए ये जो प्रतिरोध आया है यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना प्रतिरोध होगा उसका ये 10 गुना है, क्योंकि R 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का 10 गुना है, प्रतिरोध का 10 गुना है। अतः R इक्वल टू 10 R0 होगा की बात नहीं। ये जो प्रतिरोध है ये कब है, जब बल्ब यूज हो रहा है, इसका टेम्परेचर 2000 2500 1500 इतना हो जाता है बल्ब का जलते समय टेम्परेचर, आगे लिखा है भी कितना होगा बताएंगे। तो ये तो प्रतिरोध तब है जब वो यूज हो रहा है, और जब यूज होने लगता है तो गर्म होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि टंगस्टन धातु होती, बताएं धातुओं का जलने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना प्रतिरोध होता है उसका यह कितना है, 10 गुना है। तो ये प्रतिरोध जो R है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर के प्रतिरोध का क्या है, 10 गुना। ये बात यहाँ पर समझ पाए। हाँ, अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, 10 गुना है तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब का तंतु का ताप, और इस समय जब ये जल रहा है तो इसका टेम्परेचर इस समय है कितना, यदि बल्ब का ताप, बल्ब का ताप T इक्वल टू कितना है 2000 डिग्री सेल्सियस, ये इस समय यूज हो रहा है, इसका प्रतिरोध इस समय इतना है और इसका ताप इस समय इतना है, ठीक है। अर्थात ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितने डिग्री सेल्सियस पर का रेजिस्टेंस है, 2000। ये जो है ये 2000 डिग्री सेल्सियस ताप है और इस समय इसका प्रतिरोध इतना है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना आपको अल्फा निकालना है। क्वेश्चन आपका पूरा यहाँ पर हो गया। अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। फार्मूला लगाएंगे आपको RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब RT क्या है, 2000 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो ये कितना लिख दोगे, अगर आपको कैलकुलेशन ना पढ़ाना हो तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है RT इक्वल टू 10 R0, तो यहाँ पर लिख सकते हो 10 R0। अगर देखो इसका मान लिखोगे RT का तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, आपको जब डायरेक्ट दे रखा है जो RT है वो R0 का 10 गुना है, तो इसको रखने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। टी का मान क्या है, 2000, अगर कैलकुलेशन बड़ी करना है तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कितना, 288 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर R0 रखना पड़ेगा, या R0 का मान यहाँ से निकाल के रखना पड़ेगा, ये R0 से R0 कैंसिल, 10 1 प्लस अल्फा 2000 अल्फा इक्वल टू, इसको इधर लाओगे कितना बचेगा, 9 अल्फा इक्वल टू 9/2000 अल्फा इक्वल टू 9/2 कर लो, ये नीचे जो 1000 है पावर क्या बनेगी, -3, इसको भाग कर लो तो अल्फा बराबर आ जाएगा 4.5 × 10^-3, मात्रक क्या होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा क्या आया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूरा सॉल्व है, हिंट दी हुई है, कर लेंगे। 45 देखिए, 45 आपका पूछा गया है 2014 में, आपकी नई बुक में बहुत से क्वेश्चन तो उसमें से सन हटा दिया गया, पुरानी किताबें उठा के देखे तो उसमें पूछे गए हो कहीं ना कहीं। दिया है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बल्ब है जिस पर लिखा हुआ है 60 वाट, शक्ति इसकी है 60 वाट, और इस पर लिखा हुआ है 30 वोल्ट लिखा हुआ है, V इक्वल टू 30 वोल्ट, ये बल्ब की कंडीशन दी हुई है। तो ये बना किसके लिए, बना है 30 वोल्ट से जलाने के लिए, ये बना है 30 वोल्ट से जलाने के लिए जिस तरह के इस पर लिखा है, और आप इसको यूज कितने वोल्ट से करना चाह रहे हो, 90 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ना चाह रहे हो, तो 90 वोल्ट की सप्लाई पर क्या होगा, 3 गुना वोल्टेज हो जाएगा, ये तो तुरंत फिक्स हो जाएगा। तो क्या करोगे, कैसे जलाओगे, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दोगे। तो देखो ये तो बल्ब जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने का मतलब होता है कि श्रेणी क्रम में हीटर जोड़ दो, गीजर जोड़ दो, फ्रिज जोड़ दो, रेफ्रिजरेटर, बल्ब ही कहीं जोड़ दो, ठीक है। सबका क्या होता है प्रतिरोध, कोई अलग से टुकड़ा नहीं है, कहते हैं प्रतिरोध एक तार का टुकड़ा होता है जिसका अपना स्वयं का गुण होता है। ये रेजिस्टेंस है, इनके अंदर जो कॉइल लिपटी, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है, फैन के अंदर रेजिस्टेंस है,
जहां पर एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी आकर के समाप्त हो जाए, वहां पर क्या है? रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है जरूर। रेजिस्टेंस तो बिना रेजिस्टेंस की प्रकृति में कोई धातु ही नहीं है, हर धातु का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मैंने आर जोड़ दिया और अब इसको हम कितने वोल्ट से बल्ब को जला लेंगे? अब हम इसको 90 वोल्ट से जोड़ यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि इसको करंट उतना ही 90 वोल्ट पर मिलना चाहिए जितना यहां मिल रहा था। यहां देखो करंट कितना मिलेगा बल्ब को, या आप कह सकते हो बल्ब, तो कहने का मतलब हुआ इसको जोड़िए आप चाहे जितने वोल्ट से, इसको धारा केवल कितनी मिलनी चाहिए? 2 एम्पीयर मिलनी चाहिए। अब यहाँ श्रेणी क्रम में ये तो प्रतिरोध R मान लिया है, ये जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। R इक्वल टू क्या लगाओगे? V स्क्वायर अपॉन, ये सब बल्ब के लिए है, ये भी हो गया बल्ब का प्रतिरोध, समझ पाए? बल्ब का प्रतिरोध V स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 × 30 कहाँ 15 है, नहीं है, ये हो जाएगा R इक्वल टू 15 ओम। इसको हम R डैश ले लेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है R प्रतिरोध। अब हम कहेंगे इसे 90 वोल्ट से जलाने के लिए माना श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, ये सब समझ पा रहे हो? अब इस बल्ब को हमको बल्ब की एम्पियर दिया, बल्ब का प्रतिरोध दिया, इसको श्रेणी क्रम में चलाना कितने वोल्ट से है? 90 वोल्ट से। तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, तो करंट अब उतना ही जाना चाहिए जितना इसको चाहिए, 2 एम्पियर, क्योंकि इसमें भी 2 जाएगा, इसमें भी 2 जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश बराबर आर डैश प्लस आर, ये आर तो जोड़ा है मैंने, इसका पता नहीं, यही तो निकालना है। तो आर डैश कितना है? 15, आर हो गया। प्रतिरोध पता हो गया, पी इक्वल टू नहीं, वी इक्वल टू आई आर, आई आर वी कौन सा? ये वाला वी डैश, ये वोल्टेज नहीं जितने वोल्ट का बना था, अब जितने से जलाने जा रहे हो, आई और आर कौन सा? आर डबल डैश। तो ये हो जाएगा 90, आई कितना आया है? 2 एम्पियर, और आर का मान लिखोगे 15 प्लस आर, 2 से इसको भाग कर दो 45 आ जाएगा, 15 प्लस आर, 15 इधर आकर के घट जाके कितना पड़ेगा? 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ दीजिए अगर श्रेणी क्रम में, तो आप इसको